नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और आज हम बनाने वाले हैं अंडे की भुजिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज लेंगे। एक प्याज हमने लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, दो हरा मिर्च, टमाटर और गोलकी, नमक और तेल बनाने के लिए। और हमने 6 अंडा लिया है। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर दो हरा मिर्च काट के इस पे डाल के हल्का लाल करेंगे। इसके बाद हम प्याज दे देंगे, चकोटा प्याज काट के हम रखे हैं। इसे हल्का ब्राउन करना है। इसके बाद टमाटर, इसे भी ढक ढक के भूनना है। नमक देने से टमाटर गल जाएगा, इसलिए पहले हम नमक दे दे रहे हैं स्वाद अनुसार, और इसे पका लेंगे हम। जब तक मेरा टमाटर और प्याज पक रहा है, तो हम इधर अंडा को फोल्ड लेते हैं और इसे फेंट लेते हैं। हमारा टमाटर पक के तैयार हो गया है। इसमें हम अंडा फैला देते हैं और इसे धीरे धीरे भूनते हैं। ये देखिए, हमारा अंडा पक गया है। अब इसमें लास्ट में हम इसे गोलकी डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता। 1 मिनट के लिए और चलाएंगे। हमारा अंडा का भुजी तैयार हो गया है। और आज के टिप्स में बता दे रही हूँ, स्क्रब कैसे करें फेस पे। तो स्क्रब करने से, बाजार का स्क्रब करने में तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं और केमिकल मिला रहता है, जिसके चलते हमारा स्किन ख़राब भी हो सकता है। तो आज हम घर में स्क्रब करेंगे घरेलू सामान से। तो इसके लिए हमें चाहिए चीनी, मधु और नींबू। तो हम 1 चम्मच मधु लेंगे, पतंजलि का हमने लिया है, और 4-5 बूंद नींबू का रस, बस इतना ही। और 1 चम्मच चीनी, इसके बाद हम इसे मिला करके फेस पे स्क्रब करेंगे। 10 मिनट तक मसाज करना है। आप इसे हाथ पे भी कर सकते हैं, और हाथ में करने से हथेलियाँ खुरदुरा हो जाते हैं काम करने से। अगर हम हाथ पे भी स्क्रब करेंगे तो हमारा हाथ भी कोमल और सॉफ्ट हो जाएंगे। 10 मिनट तक करना है और 5 मिनट तक ऐसे ही रखना है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है। 5 मिनट तक रेस्ट में रखेंगे, उसके बाद मैं उसको वॉश धो के दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको दिखेगा इसमें मैंने किया है, इसमें मैंने नहीं किया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को दबा दीजिए। बाय।